हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 11, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि जो हम सिंपल एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम उसे वर्क नहीं करते कहते। अकॉर्डिंग टू साइंस की डेफिनेशन वो वर्क नहीं होता। हम उसे वर्क कहते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं होता। उसी को समझने के लिए चलते हैं हम आगे। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एंड यूज फॉर फिजिकल मेंटल लेबर एज वर्क। बाय डे टू डे लाइफ में हम कोई भी फिजिकल और मेंटल वर्क करते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्क। जैसे एक्टिविटीज़ होंगी आपकी, प्लेइंग इन ए फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड, ह्यूमिंग ए ट्यून, वॉचिंग ए मूवी, अटेंडिंग ए फंक्शन, ये जो है इसको कई बार हम वर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है उस वे पे कि हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं। वी यूज़ एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। साइंस में वर्क की जो डेफिनेशन है वो अलग है। इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आपको पता है कि हम डे डे में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, क्या काम किया आपने। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने वर्क किया है उसका क्या हुआ। हु इज़ डूइंग द वर्क, वर्क कौन कर रहा है। व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, क्या काम हो रहा है। इन सबको समझने के लिए हम चलते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क वाले टॉपिक पे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वर्क क्या होता है, हम डिफाइन करेंगे वर्क को अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पुश ए पेबल, पेबल आपको होता है कंकर, पत्थर का पीस होता है, लाइंग ऑन ए सर्फेस के ऊपर है, उसको पुश कीजिए। द पेबल मूव थ्रू ए डिस्टेंस, पेबल मूव करेगा थोड़ी डिस्टेंस के लिए। यू एग्जर्टेड ए फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस, आपने पेबल पे कुछ फोर्स लगाई और वो पेबल वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, इस सिचुएशन में वर्क डन हुआ है। ए गर्ल पुल्स ए ट्रॉली, एक गर्ल्स ने खींच एक ट्रॉली खींच रही है एंड ट्रॉली मूव थ्रू ए डिस्टेंस, वहाँ पर ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है डिस्टेंस में। द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन द ट्रॉली, गर्ल ने जो ट्रॉली पे क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी, इसलिए वो हो डिस्प्लेस हुई। तो यहाँ पे भी वर्क डन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको काम किया हुआ दिख रहा है, आपने पेबल को मूव किया, डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, गर्ल ने ट्रॉली को मूव किया, डिस्प्लेस किया उसकी पोजीशन पे, उसकी मूवमेंट हुई, तो वहाँ पे भी वर्क इज डन वो दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे पेबल था, यहाँ पे ट्रॉली है, तो वर्क डिस्प्लेसमेंट हुई दिख रही है, तो यहाँ पे वर्क इज डन। लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट, एक लिफ्ट कीजिए, बुक को थोड़ी हाइट पर ले जाइए। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स, उसके लिए भी आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, बुक ऊपर जाएगी, राइज करेगी। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक, तो जब जितनी देर आप बुक को उठा के रखोगे तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगी, और बुक वहाँ से अपनी पोजीशन से मूव भी हुई है, क्योंकि वो पड़ी होगी टेबल पे, जहाँ जहाँ पे पड़ी होगी वहाँ से उठा के आपने हाथ में पकड़ के उसको एक हाइट पे लेके गए हो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ए क्लोजर लुक एट द अबूज सिचुएशन रिवील्स, क्योंकि कोई दूर कोई पास बैठा हुआ ये सब सिचुएशन देख रहा है। दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, वर्क टू बी डन, तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे वो कहे कि वर्क हुआ है। ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और दूसरी चीज़ कि ऑब्जेक्ट जो है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वो अपनी पोजीशन से क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। इफ़ एनी वन ऑफ द वो कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती तो वर्क इज़ नॉट डन, वर्क नहीं होगा। दिस इज़ अ वे वी व्यू वर्क इन साइंस, तो इस साइंस के अकॉर्डिंग जो वर्क की डेफिनेशन थी वो ये है। ठीक है, ए बुलक इज़ पुलिंग ए कार, एक बैल जो है कार टांगे को खींच रहा है, कार्ट मूव कर रहा है, तो वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, कहाँ पे, कार्ट पे, कार्ट ने मूवमेंट की है, तो क्या आप सोचते हो कि वर्क यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने से हुआ है। नेचुरली हुआ है, क्योंकि बुलक बैल ने फोर्स लगाई है किस पे, कार्ट पे, कार्ट की वहाँ से क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।